हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज़, और इसमें मैं एसएससी एग्ज़ाम्स के अभी जो पेपर्स हुए हैं मार्च में, जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के और एमटीएस के, ये क्वेश्चंस पूरे मैं सॉल्व करवाऊँगा। और इससे जितने भी फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, जैसे सीपीओ का दिसंबर में एग्ज़ाम है टीयर वन का, और उसके बाद फिर सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो इन सभी की तैयारी में डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस अभी सीपीओ एग्ज़ाम में और दूसरे एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैंने 12 मार्च 2019 के सीपीओ के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इनको मैं डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो क्लास प्लीज़ आप एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करें। इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आपको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, ये मैं इसमें आपको पूरा बताऊंगा। यदि आप वोकेबलरी की ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेना चाहते हैं तो englishiq.in इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहां से आप डाउनलोड सेक्शन में जाके यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और सीपीओ एग्जाम या सीजीएल एग्जाम का जो करंट पैटर्न है उसमें मिक्स तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 5 सरोनेम पूछ लिए गए या फिर 5 एंटोनेम, इसमें एक एक करके क्वेश्चंस को मिक्स तरीके से पूछा गया है। जैसे यहां पर देखिए, एम्पलीफायर, इसका सरोनेम आपसे पूछा गया है कि इसका सरोनेम क्या होगा। एम्पलीफायर का मतलब होता है, एम्पलीफायर आपने सुना होगा जो आवाज को बढ़ाने का काम आता है, ठीक है, एम्पलीफायर। और मैग्नीफाइंग ग्लास आपने सुना होगा, जिससे हम किसी चीज़ का जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको हम बड़े में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा मैग्नीफाई, ठीक है, मैग्नीफाई यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रीफाई वर्ड भी दे दिया है, लेकिन इलेक्ट्रीफाई इसका सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा मैग्नीफाई। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। फोर्ट्रेस क्या होता है? फोर्ट्रेस एक्चुअली एक किला होता है जो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, तो उसको हम फोर्ट्रेस बोलते हैं। पैलेस तो एक्चुअली महल होता है, तो महल नहीं हो, कोलोसस का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल टॉवर, एक बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। सीटाडेल इसमें सही आंसर होगा, सीटाडेल भी एक किला होता है जिसको हाईली प्रोटेक्टेड किया जाता है, तो फोर्ट्रेस का सीटाडेल यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब पहले एक सरोनिम पूछा गया, फिर एक एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन एक एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड हैव बिहेव्ड इन सच ए मैनर, ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच ए मैनर। देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए और शुड हैव होता है पास्ट में, इसका मतलब होता है चाहिए था। तो यहां से यदि आप देखें तो इसका मतलब क्या होगा, ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर, उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पार्ट तो इसमें सही है, ही इसमें सब्जेक्ट है और शुड हैव के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये तो इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इसमें गलत है। एक्चुअली देखिए, आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली गलत फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू हिम आप बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट आप बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है। इसके स्थान पर आप बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन, ठीक है, तो इन माई ओपिनियन यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ये पार्ट इसमें जो है टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये गलत है इसमें, तो डी इसमें आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, एक एंटोनिम पूछा गया है, इसका एंटोनिम क्या होगा, वैनिटी। आपने सुना होगा वैनिटी वैन क्या होती है, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जिस समय एक्टिंग कर रहे होते हैं, शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, तो वैनिटी वैन में जाके वो अपना मेकअप करते हैं और अपनी तैयारी वगैरह करते हैं, तो वैनिटी वैन उसको इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर बैठ के वो अपनी अपनी उनकी जो शोहरत और इज्जत और उनको जो उनका जो नाम रहता है उसके लिए वो वहाँ पर अपना एक घमंड दिखाते हैं। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है, तो वैनिटी वैन शायद उसको इसीलिए बोलते हैं। तो यहां पर इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है वैनिटी, घमंड का उल्टा क्या होगा, विनम्रता, और विनम्रता का जो सिनोनिम है वो है ह्यूमिलिटी। देखिए, एक वर्ड होता है ह्यूमैनिटी,
इंसानियत, लेकिन ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिलिटी इसमें आपका सही आंसर होगा। टिमिडिटी मतलब डरपोकपन, डिग्निटी मतलब ग्रेसफुलनेस, और प्राइड मतलब गर्व। प्राइड एक मूवी भी आई थी, ठीक है, गर्व के नाम से एक मूवी थी, शायद सलमान खान की थी प्राइड। तो वैनिटी का इसमें इसमें ह्यूमिलिटी आपका सही आंसर होगा, वैनिटी का एंटोनिम। ये एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, एडवाइस का भी नहीं बनाते, इंफॉर्मेशन का भी नहीं बनाते, सीनरी का भी नहीं बनाते, ठीक है, पोइट्री का नहीं बनाते। तो इसको यदि प्लूरल फॉर्म में आपको यूज करना है एडवाइसेस को, तो आप बोल सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस। लेकिन एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जो कि गलत होगा। तो एडवाइसेस जो वर्ड है ये यहाँ पर गलत है, बी इसमें आपका सही आंसर होगा। देखिए एडवाइसेस में सी यहाँ पर लगा रहता है वो होता है नाउन फॉर्म, और जिसमें एस लगा होता है वो होता है इसका वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, एडवाइसेस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। रिप्लीट का सिनोनिम, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रिप्लीट का मतलब क्या हुआ, क्या होता है। रिप्लीट का मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई है, वहाँ पर उस चीज़ की कोई कमी नहीं है, अबाउंडिंग या फुल हम इसको बोल सकते हैं। तो फुल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज करने के लिए एक वर्ड दिया गया है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ नहीं होता, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है घिरा हुआ। जैसे ट्रेन में हम जाते हैं तो कोई बर्थ होती है वो पूरी ऑक्यूपाइड रहती है, ठीक है, वो पूरी ऑक्यूपाइड रहती है। तो ऑक्यूपाइड का मतलब थोड़ा सा अलग है, कोई चीज़ घिरी हुई है उससे, जबकि रिप्लीट का मतलब होता है कि वहाँ पर उस चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो फुल यहाँ पर इसमें आपका सही आंसर होगा। काम का मतलब होता है शांत, रेस्टफुल का मतलब होता है पीसफुल। तो इस तरीके से फुल यहां पर इसका सही आंसर होगा। यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इन सभी वर्ड्स में dis dis जो है ये प्रीफिक्स लगता है, लेकिन यहां पर एक्चुअली डबल s कर दिया गया है इसको, तो ये गलत हो गया आपका। डिसअपॉइंट इसमें सही आंसर होगा, डिसअपॉइंट की स्पेलिंग इसमें गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीप्स यू इन द लर्च। तो जो अंडरलाइन पार्ट है लीप्स यू इन द लर्च, इसका इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए लर्च का मतलब क्या है, लर्च का मतलब जैसे आप रोड पर चल रहे हैं तो आप लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उसको बोलते हैं लर्च, इरेगुलर मूवमेंट जो होता है। और जिस समय आप लड़खड़ा रहे हैं उस समय आपका कोई दोस्त या आपका कोई फ्रेंड आपको पकड़ नहीं रहा है, आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, यही सेंटेंस में बोला जा रहा है। और इसका सही आंसर होगा लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन। तो यहाँ पर सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ए फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनिंग अ प्राइज इन द आर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो ये तो क्वेश्चन सरल है, वॉन्ट टू विन होगा, वॉन्ट्स टू विन नहीं होगा। एवरीबडी सिंगुलर है तो वॉन्ट्स तो यहाँ पर सही है, लेकिन वॉन्ट टू बी विनिंग ये गलत स्ट्रक्चर है, वॉन्ट टू विन होगा, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वॉन्ट टू विन यहाँ पर, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिए ये एक क्लोज टेस्ट है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले आप इसको देखें, व्हाट डज द वर्ड स्काउट मीन। स्काउट ये वर्ड आपने सुना होगा यदि आप जीएस की और इसकी तैयारी कर रहे हैं, स्काउट होता है आर्मी में। तो व्हाट डज द वर्ड स्काउट मीन, ड्यूरिंग अ वॉर अ सोल्जर इज चूजन। यहाँ पर स्काउट का डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि जिस समय युद्ध होता है उस समय एक सोल्जर को चुना जाता है, किस लिए, टू गो। एक्चुअली इनको एक ये मैसेंजर होता है, इसको आर्मी से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले भेजा जाता है। तो अ सोल्जर इज चोजन टू गो अहेड ऑफ एन आर्मी, पहले भेजा जाता है इसको आर्मी से, तो गो अहेड ऑफ एन आर्मी इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब इसलिए, पर्पस को बताने के लिए होता है इन ऑर्डर टू। अब यहां पर आउट दिया है तो इन ऑर्डर टू यहां पर आएगा सही फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए भेजा जाता है कि एनिमी कहां पर है, कैसे वो तैयारी कर रहा है, क्या क्या उसके पास इक्विपमेंट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आके वो रिपोर्ट करता है आर्मी को।
इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेयर द एनिमी इज ही देन बैक. अब बैक दिया है तो बैक के साथ हम क्या लगाएंगे, ही देन रिपोर्ट्स बैक टू द कमांडर, कमांडर को रिपोर्ट करता है ऑल द ही हैज गैदर्ड, उसने क्या चीज गैदर करी है वहां से बैटल ग्राउंड से, उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी है. तो यहां पर आ जाएगा आपका ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैज गैदर्ड अबाउट द, किसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी है, अबाउट द एनिमी. सच अ सोल्जर इज नोन एज स्काउट, तो यहां पर आपका एनिमी आ जाएगा. तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं एसएससी सीपीयू एग्जाम के, और आगे का इसका पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसमें आरसी होगा और जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सीपीओ के टीयर टू के क्वेश्चंस भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा. तो यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें. इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.